हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वसाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपने बरादर मुकर्रम हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद इकबाल कुरैशी साहब दामत फयूज़हुम का इंतहाई ममनून हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा यहाँ आज इस मजलिस में मुझे याद फरमा लिया। अल्लाह जल्ला जलालहु हज़रत की ज़िंदगी में, इल्म में, अमल में खैर वरकात नसीब फरमाते। अल्लाह पूरी उम्मत को इनके वजूद बासाऊद से खैर और नफ़ा नसीब फरमाना। यूँ तो हज़रत के मुझ पर भी बड़े एहसान हैं, लेकिन एक एहसान, एक दफ़ा मक्का मुकर्रमा में मुलाकात हुई थी तो हज़रत मुझे ले गए उसी ख़ानदान के, हाँ जिस ख़ानदान की निस्बत से ये मस्जिद शैबी, वहाँ उनसे मुलाकात, उनकी ज़ियारत, उनका दीदार इस हवाले से कि हज़रात सहाबा यकीनन उनकी औलाद अख़्वाद नस्ल चल रही है, लेकिन शैबी ख़ानदान एक ऐसा ख़ानदान है कि जिसकी बका और दवाम की पूरी ज़मानत हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि वो बैतुल्ला शरीफ की चाबी जिनके पास थी, फिर फतह मक्का के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही चाबी लेकर फिर उसी कलीद बरदार के हवाले की और साथ ये इरशाद फरमाया अब ये चाबी क़यामत तक आप ही के पास रहेगी, जिससे ये यकीन हुआ ये चाबी अब जिन के पास है ये औलाद सहाबा का चलता हुआ तसलसल है। अल्हम्दुलिल्लाह ये यकीनी बात हो गई। उनकी मुझे जो ज़ियारत हुई वो हज़रत के तवस्सुत से हुई। अल्लाह जल्ला जलालहु इन्हें जज़ाए खैर नसीब फरमा। ये मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान है।